नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं भारत के टोल कलेक्शन सिस्टम की और फास्टैग की। अब खबर ये आ रही है कि भारत सरकार फास्टैग को डिसकंटिन्यू करने वाली है। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि आखिर फास्टैग क्यों डिसकंटिन्यू होने जा रहा है, आखिर ऐसी फास्टैग में प्रॉब्लम क्या है, फास्टैग की टेक्नोलॉजी क्या है और नया सिस्टम क्या आने वाला है, वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, फास्टैग में कुछ कमियां हैं तो वो क्या कमियां हैं जो नया सिस्टम उसको हटा देगा। आइए दोस्तों समझते हैं पूरी न्यूज को, पूरी इन्फॉर्मेशन को विस्तार से। दोस्तों दरअसल भारत में जो मोदी जी की गवर्नमेंट में जो सबसे अच्छे मंत्री हैं उनमें से एक नितिन गडकरी जी हैं, जो रोड ट्रांसपोर्टेशन का काम देखते हैं। भारत में पिछले 10 सालों में करीब 95,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हाईवे का कंस्ट्रक्शन हुआ है, रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ है। इससे हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो गई है और इससे भारत सरकार को रेवेन्यू भी जनरेशन होता है टोल टैक्स कलेक्शन के माध्यम से। अगर हम टोल टैक्स कलेक्शन अगर देखें 2018-19 से लेकर के 2024 तक, तो ये कुछ इस प्रकार है। 2018-19 में करीब 25,000 करोड़ का कलेक्शन किया था टोल टैक्स ने और 2019-20 में यही कलेक्शन 27,000 पहुंच गया, 20-21 में 28,000, 21-22 में 34,000 और 22-23 में 48,000 और सबसे ज़्यादा तो 2024 में 62,000 करोड़ का टोल टैक्स कलेक्शन हुआ है। आखिर ये टोल टैक्स का कलेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ा कैसे? तो दोस्तों ये बढ़ा है जो एक्सपेंशन किया गया है हाईवेज़ में और जो फास्ट टैक्स का यूज किया गया है, इसकी वजह से ये कलेक्शन बढ़ा है। तो अब आखिर जब टोल टैक्स का कलेक्शन इतना बढ़ा है तो गवर्नमेंट अब इसे डिसकंटिन्यू क्यों करने जा रही है? दरअसल दोस्तों फास्टैग को डिसकंटिन्यू इसलिए करने जा रही है क्योंकि फास्टैग में कुछ कमियां हैं, कुछ लूपहोल्स हैं, तो वो उन लूपहोल्स को भी हटाने की ज़रूरत है। दरअसल दोस्तों अब समझते हैं कि फास्टैग आखिर कब आया था। तो फास्टैग 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था और 2019 में इसको मैंडेटरी कर दिया गया था सभी गाड़ियों के लिए, टू व्हीलर्स को छोड़ करके। दोस्तों जब स्टार्टिंग में फास्टैग नहीं हुआ करता था तो हाईवेज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग होती थी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता था और कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह होती नहीं थी, भारत की डेवलपमेंट उतनी अच्छी चल नहीं रही थी क्योंकि जब रोड अच्छी होंगी तो कंस्ट्रक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट होती जाएगी। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम को, और इस सिस्टम के थ्रू भारत में टोल टैक्स की क्रांति को लाया गया। तो दोस्तों ये क्या है कि एक RFID यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी को थ्रू काम करता है। जो फास्टैग होता है उसमें एक चिप लगी होती है। और दोस्तों अब आपको बता दें कि फास्टैग इशू कहाँ से होता है। तो दोस्तों आपको बताएं कि सबसे पहले हमको ये ऑनलाइन लेना पड़ता है या बैंक की किसी ब्रांच में जाना पड़ता है, इसकी एक फ़ीस हमें जमा करनी पड़ती है और कुछ हमें पेपर देने पड़ते हैं। जब हमारी KYC कंप्लीट हो जाती है और फीस जमा हो जाती है तो उस फीस में कुछ सिक्योरिटी अमाउंट होता है और कुछ हमारा इनिशियल रिचार्ज होता है। और ये हमारे एक जो कार्ड होता है फास्टैग, ये एक सिर्फ कार्ड नहीं है, ये एक समझ लीजिए डिवाइस है, इसी में चिप लगी होती है, जो RFID चिप टेक्नोलॉजी है वो इसमें लगी होती है। इसको हम अपने जो भी कार होती है या जो व्हीकल होता है इसका जो विंडशील्ड होता है, जो आगे का शीशा होता है, उसमें हम इसको चिपका लेते हैं। ये एक चार्ज नहीं होती है, इसमें कोई एनर्जी नहीं होती है। तो जब हमारी गाड़ी या कार जब हमारी टोल टैक्स में पहुंचती है तो वहां पर एक RFID स्कैनर लगा होता है, तो वो स्कैनर इसमें जब इस कार्ड को स्कैन करता है तो उसी से ये चिप एनर्जी लेती है और स्कैन करने के बाद वो डेटा स्कैनर सेंड कर देता है बैंक के पास और NETC के पास। NETC उसको सारे फास्टैग को स्कैन सारा डेटा को खंगालती है और देखती है जहाँ पर सारा फास्टैग का डेटा अवेलेबल होता है, जैसे कि व्हीकल की सारी डिटेल और बैंक से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स उसमें होती हैं। वो सब कुछ चेक करने के बाद NETC कि फास्टैग रजिस्टर्ड है या नहीं है, अगर फास्टैग रजिस्टर्ड है तो वो डिटेल को आगे बैंक को भेज देता है और बैंक को एक डेबिट रिक्वेस्ट दे देता है, बैंक पैसे को काट लेता है और बैंक पैसे को काटने के बाद एक इन्फॉर्मेशन आगे सेंड कर देता है कि बैंक ने पैसे को कलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो टोल का गेट होता है वो खुल जाता है और उसके बाद गाड़ी निकल जाती है। ये तो नॉर्मल
फास्टैग का सिस्टम है। अब आपको बता दें तो कि जो फास्टैग होता है वो 7 कलर्स में इशू किया जाता है। इसमें सबसे पहला जो कलर होता है वो वॉलेट कलर का होता है, वो मिनी लाइट कमर्शियल व्हीकल के लिए होता है। और दूसरा जो होता है वो ऑरेंज कलर के लिए कलर का होता है, वो लाइट कमर्शियल व्हीकल उसको लिए होते हैं। तीसरा फास्टैग ग्रीन कलर का होता है, इसमें 2XL के व्हीकल आते हैं। चौथा येलो कलर का होता है, इसमें 3XL के व्हीकल आते हैं। चौथा पिंक कलर का फास्टैग होता है, जिसमें 4, 5, 6XL के व्हीकल आते हैं। और छठा ब्लू फास्टैग होता है, ब्लू कलर का, जो 7 या मोर 7 या इससे ज़्यादा के जो एक्सल की व्हीकल होते हैं वो आते हैं। और सातवें नंबर पर ब्लैक फास्टैग आता है, ये हैवी कंस्ट्रक्शन व्हीकल के लिए होता है। अब दोस्तों समझते हैं कि फास्टैग में आखिर प्रॉब्लम क्या है। दरअसल दोस्तों फास्टैग में कई तरह की प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि हम जितना जाते हैं उससे भी ज़्यादा हमको फास्टैग को पे करना पड़ जाता है, और फास्टैग में लाइन भी लगने पड़ती है हमें टोल में। और फास्टैग जो जनरली डिस्टेंस होती है वो 60 किलोमीटर की होती है, मतलब एक बार हम 60 किलोमीटर के लिए पेमेंट कर देंगे तो फिर अगले बार जो हमें टोल टैक्स मिलेगा वो नॉर्मली 60 किलोमीटर के बाद में मिलेगा। तो अगर हमें 60 किलोमीटर जाना ही ना हो, 30 किलोमीटर जाना हो, तो हमें ये इशू आएगा कि हमें पूरा पैसा 60 किलोमीटर के देना पड़ेगा। अब जो टोल टैक्स होता है वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हम कितनी डिस्टेंस पर जा रहे हैं, उस टोल टैक्स के दरमियान कितने ब्रिजेज आए, कितने टनल आए, कितने बाईपास आए, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो आइए दोस्तों समझते हैं एक एग्जांपल से कि हम जितनी भी डिस्टेंस को कवर करते हैं टोल टैक्स उतने पे क्यों नहीं लगता है। मान लीजिए कि हम कार से लखनऊ से कानपुर जाना चाहते हैं, तो अब लखनऊ से जब कानपुर के बीच में जो टोल टैक्स पड़ेगा वो नवाबगंज में पड़ेगा। नवाबगंज में 95 रुपीज़ मान लीजिए लगते हैं, वहाँ वो जो टोल टैक्स कटेगा वो अगले टोल टैक्स तक के लिए कटेगा। अगला जो टोल टैक्स होगा वो 12 जोड़ का टोल टैक्स होगा 86 किलोमीटर पे। तो जिसने नवाबगंज में टोल टैक्स पे कर दिया 95 रुपीज़, वो अब कानपुर आना चाहता है, तो कानपुर से 12 जोड़ 34 किलोमीटर दूर है। तो सोचिए अब उसने जिसको भी ट्रैवल करना है वो 34 किलोमीटर तो गया ही नहीं, तो उसको लेकिन टोल टैक्स वहाँ का भी देना पड़ गया। तो इस तरह से देखा जाए तो मॉनेटरी लॉस हो जाता है लोगों को, ये नुकसान होता है। इसके साथ एक प्रॉब्लम और आती है कि फास्टैग को हमें रिचार्ज करना पड़ता है। अगर हम फास्टैग को रिचार्ज करना भूल जाएं और हम फिर टोल टैक्स में चले जाएं तो वहाँ पे हमको कैश में टोल टैक्स पे करना पड़ता है, और कैश में जो टोल टैक्स लगता है वो जस्ट डबल लगता है, यानी कि आपको पेनलाइज किया जाता है, पेनल्टी लगती है। अगर मान लीजिए 100 रुपये का टोल टैक्स लगना चाहिए और आप कैश में अगर टोल टैक्स पे करेंगे तो वो 200 रुपये लगेगा। तो दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम हमारे अभी फास्टैग सिस्टम में है, तो गवर्नमेंट इसको रिप्लेस करना चाहती है, और गवर्नमेंट इसको दूसरे टोल टैक्स सिस्टम से साथ लाना चाहती है, जो एक GPS बेस्ड टेक्नोलॉजी सिस्टम होगा, जो नया सिस्टम होगा GPS पे काम करेगा। ये दरअसल दोस्तों इसमें क्या होगा कि एक तरह का कैमरा लगा होगा, ANPR कैमरेज लगाए होंगे जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीड करेंगे। ये कैमरे ये जगह जगह पर इंस्टॉल होंगे, मतलब कोई भी हाईवे जहाँ से स्टार्ट होगा एक एंट्री पॉइंट और एक एग्जिट पॉइंट, ऐसे यहाँ पे लगे होंगे कैमराज। तो ये आपकी गाड़ी के नंबर को स्कैन करेंगे आपको एक जगह, और जहाँ आप एग्जिट करेंगे वहाँ स्कैन कर लेंगे, और आपकी जितनी डिस्टेंस होगी उतना ये टोल टैक्स को काट लेंगे। तो दोस्तों ये एक सिंपल तरीका है। अगर हम बात करें कि क्या ऐसा कोई सिस्टम अभी इंडिया में एग्जिस्ट करता है, तो दोस्तों अभी हमारा जो टोल टैक्स सिस्टम है, अगर हम एक्सप्रेसवेज़ की बात करें, जैसे कि हम आगरा लखनऊ का एक्सप्रेसवेज़ है वहाँ की अगर बात करें, तो वहाँ भी सिस्टम ऐसा ही है कि हम आगरा में अगर टोल कटाते हैं और वहाँ से जब एंट्री लेते हैं और फिर जब एग्ज़िट लेते हैं वहाँ तक का पूरा टोल लग जाता है, वहाँ से हम निकलते हैं। तो फिर फ़र्क क्या रहा है करंट सिस्टम में और जो नया सिस्टम आने वाला है? तो दोस्तों इन दोनों में फ़र्क की अगर हम बात करें तो फ़र्क है खर्चे का, एक्सपेंडिचर का। दरअसल अभी क्या है कि हमको जगह जगह पर टोल टैक्स कलेक्ट करने के लिए टोल प्लाजा बनाने पड़ते हैं, तो उसका एक खर्चा होता है, उसको मेंटेन करने का खर्चा होता है, प्लस वहाँ पर हमको स्टाफ को रखना पड़ता है, एम्प्लॉई को रखना पड़ता है, तो उनकी सैलरी का भी खर्चा आता है। तो इस तरह की दिक्कतें
अभी के करंट सिस्टम में है, लेकिन जब जब हमारा नया सिस्टम आएगा जीपीएस बेस्ड सिस्टम, तो यहाँ पर किसी भी तरह का सिस्टम में हमको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसमें बस वन टाइम एक बार का खर्चा होगा जब हमें कैमराज को लगाना पड़ेगा हाईवेज पे, जगह जगह पर हमें कैमरे लगे होंगे, तो वहाँ से क्या होगा कि आप नॉर्मल जैसे रोड में चलते हैं वैसे ही चलेंगे, कोई आपको टोल प्लाजा मिलेगा नहीं, आपकी गाड़ी का नंबर स्कैन होता रहेगा सभी कैमरों के द्वारा, आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे गाड़ी वहाँ कैमरा स्कैन कर लेगा और फिर आप आगे चलते चले जाएंगे वहाँ पे कैमरे को स्कैन करेंगे, फिर सपोज तीसरा कैमरा आया वहाँ स्कैन करा और आप उसके बाद एग्जिट कर गए। तो जो तीन कैमरों के बीच में आपने डिस्टेंस करी, डिस्टेंस ट्रैवल करी, बस उतनी ही जगह का आपको टोल का कलेक्शन कर लिया जाएगा, ना यहाँ पे कोई एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई टोल प्लाजा का ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इससे फिर बेनिफिट आखिर क्या क्या हुए, सबसे पहला बेनिफिट तो ये हुआ कि खर्चा सरकार का कम हो गया, कोई टोल प्लाजा नहीं रखना पड़ा, कोई एम्प्लॉय नहीं रखना पड़ा। दूसरी चीज, कोई ट्रैफिकिंग नहीं हुई, ट्रैफिक कोई हुआ ही नहीं, वो अपने आप कम हो गई जो टोल प्लाजा पे ट्रैफिक लग जाता है, क्योंकि आप सिंपल सा अपना चलते चले जा रहे हैं, कहीं खड़े नहीं होना। तीसरी चीज़, आपको इसमें कोई रिचार्ज की प्रॉब्लम नहीं, इसमें रिचार्ज नहीं कराना है, क्योंकि आपका नंबर व्हीकल नंबर डायरेक्टली आपके बैंक से लिंक होगा, तो ऑटोमेटिक वहाँ से पैसे कट जाएंगे। और चौथा सबसे बड़ा प्रॉब्लम फ़ायदा, जितना आप चलते हो उतने का ही आपको टैक्स देना होता है। अब जो कैबिनेट मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, इन्होंने कहा है कि इस ये जो सिस्टम है इसके लिए हम बहुत ही जल्दी टेंडर लाने वाले हैं और गवर्नमेंट इसके लिए जल्दी से टेंडर ले आएगी और ये जो सिस्टम है ये पूरे देश में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। दोस्तों ये मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, कुछ और अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए और चीज़ें लेकर आऊँगा। धन्यवाद।